धनानंद का इतिहास। 99 करोड़ सोने के सिक्के थे धनानंद के पास। धनानंद प्राचीन भारत के नंद वंश का अंतिम राजा था। नंद वंश ने 4वीं शताब्दी में ईशा पूर्व में उत्तर पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। नंद साम्राज्य उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। नंद वंश के 2 साम्राज्यों की जानकारी मिलती है, पहला महापद्मानंद और दूसरा धनानंद। आमतौर पर ये विवरण मिलता है कि धनानंद महापद्मानंद का पुत्र था, पर कई जगह उसे महापद्मानंद का छोटा भाई भी कहा गया है। धनानंद का इतिहास, पद्मानंद ने लगभग 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी और उसने लगभग 229 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके बाद धनानंद मगध की गद्दी पर विराजमान हुआ। धनानंद का चरित्र, लगभग सभी ग्रंथ ये मानते हैं कि धनानंद एक अत्याचारी, धन का लोभी और विलासी शासक था जो अपने राज्य की प्रजा के बीच अप्रिय था। धनानंद को धन इकट्ठा करने की आदत थी जिसके कारण लोग उसे धनानंद कहने लगे थे। धन इकट्ठा करने के लिए धनानंद ने अपनी प्रजा पर तरह तरह के टैक्स लगा रखे थे। यहाँ तक कि शमशान घाट में व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए भी आवश्यक लकड़ियों पर भी टैक्स देना पड़ता था। उसके सैनिक लोगों से टैक्स वसूलने के लिए हर तरह के जुर्म करते थे। धनानंद एक अत्याचारी शासक होने की पुष्टि यूनानी इतिहासकार उल्ट्रक के वर्णन से भी होती है। पुल्टन लिखता है कि युवा गुप्तचंद्र एक बार सिकंदर के सामने पेश हुआ था और उसने धनानंद के घटियापन और प्रजा के बीच उसके अप्रियता के बारे में बताया था। धनानंद की 99 करोड़ सोने की मुद्राएं। धनानंद के पास 99 करोड़ सोने की मुद्राएं थी जिसे उसने गंगा नदी की तले में एक चट्टान खुदवा करके छिपा दिया था। भले ही इस बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया हो, पर फिर भी हमें ये मानना होगा कि धनानंद के पास काफ़ी दौलत थी, क्योंकि इसका वर्ण तमिल की एक प्राचीन कविता में भी मिलता है। धनानंद का ये नाम तो उसके धन के प्रति प्रेम के कारण पड़ा, पर शायद उस समय उसका असली नाम कुछ और था। यूनानी लेखकों ने वर्णन किया है कि सिकंदर के हमले के समय मगध का राजा अग्रमस अथवा जंडमस था। अग्रमस अथवा जंडमस को इतिहासकार धनानंद से ही जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि अग्रमस शब्द शायद संस्कृति और ऑगेंसनिस शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। धनानंद की सेना। धनानंद को विरासत में एक विशाल राज मिला था, सो उसके पास एक बड़ी सेना होना एक स्वाभाविक सी बात है। यमन इतिहासकार लिखते हैं कि धनानंद की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 2000 घोड़सवार, 2000 रथ और 2000 हाथी थे। नंदों की इतनी विशाल सेना के बारे में सुनकर के भारत पर हमला करने आए सिकंदर के सैनिकों की नींद उड़ गई। उन्होंने परोसे हुए भयानक युद्ध के बारे में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नंदों की विशाल सेना में टक्कर लेने में असमर्थ थे। धनानंद द्वारा चक्र का अपमान। सभी प्राचीन ग्रंथ ये मानते हैं कि चक्रान और नंदों के बीच खासी दुश्मनी थी। मुंद्रा रच नाटक से पता चलता है कि चाणक्य को धनानंद ने अपमानित कर राजकीय पद से हटा दिया था, जिसके कारण उन्होंने नंद साम्राज्य के विनाश की शपथ ली। हो सकता है कि धनानंद के मंत्रियों में एक पद आचार्य चाणक्य के पास भी हो और उन्होंने धनानंद की
हीराकुंशता का विरोध किया हो, जिसके कारण धनानंद ने उन्हें अपमानित कर पद से हटा दिया होगा। धनानंद और गुप्तचंद की युद्ध। चाणक किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो धनानंद जैसे अत्याचारी शासक को हटा करके सम्राट बनाने के योग हो। शीघ्र ही चंद्रगुप्त के रूप में उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति मिला। सिकंदर के जाने के बाद गुप्तचंद ने चाणक की सहायता से लगभग 324 ईसा पूर्व में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, पर उन्हें करारी हार मिली। वो नंदों की सेना को कम अंक बैठे थे, पर शीघ्र ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गुप्तचंद और चाणक ने सबसे पहले नंद साम्राज्य के आसपास के क्षेत्रों को जीतना आरंभ किया। दोनों में पंजाब के क्षेत्रों से एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें संभवतः कुछ यूनानी सैनिक और लुटेरे व्यक्ति भी शामिल थे। ये भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को उखाड़ फेंकने में कश्मीर राजा पर्वतक से भी संधि की थी। कई इतिहासकार राजा पर्वतक को कोई और नहीं बल्कि राजा परोस ही मानते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच केवल एक युद्ध हुआ था, और ये युद्ध इतना विनाशकारी था कि आने वाले कई सालों तक इससे हुई हानि को पूरा नहीं किया जा सका। धनानंद की पुत्री और परिवार। अधिकांश प्राचीन अनुश्रुतियों में ये वर्ण मिलता है कि चंद्रगुप्त ने धनानंद का कत्ल कर दिया था, पर ये ग्रंथ के अनुसार गुप्तचंद्र से युद्ध हारने के बाद धनानंद ने अपनी एक पुत्री दुर्धारा की शादी चंद्रगुप्त से करवा दी और अपनी दो पत्नियों और एक कन्या के साथ पाटलिपुत्र से बाहर चले जाने की अनुमति ले ली। साथ ही उतनी संपत्ति भी उसे अपने साथ ले जाने दी गई जितनी की एक रथ में जा सकती थी। ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच अंतिम युद्ध 321 ईसा पूर्व में हुआ था और कुछ 315 ईसा पूर्व के आसपास को सही ठहराते हैं।